उस्मान ने काट ली अपने बाल कैंची। ये क्या लगा ली? ये तो बच्ची। क्या हुआ उस्मान को? उंगली आ गई कहाँ पर? खिड़की में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले नए व्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपसे कोई भी व्लॉग मिस ना हो। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो नए व्लॉग में हम आपके साथ हाजिर हैं। तो आज जो है आपके भाई की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, जिसम में बहुत दर्द है, गला भी थोड़ा सा जो है डाउन हो रहा है। दुआ कीजिएगा जल्दी तभी तबीयत ठीक हो जाए तो सही से व्लॉग हो सके। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। आज इंशाल्लाह ताला 18वें रोज़े की इफ्तारी करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बस ये अशरा भी ख़त्म होने वाला है, बस दो दिन रह गए और फिर आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा। तो बस अब रमज़ान का काउंट डाउन शुरू हो जाएगा, वो समझे बस। वो भी ऐसे गुजरेगा, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे गुजरेगा, बिल्कुल एंड टाइम। बस अल्लाह ताला हमारी की हुई इबादत को कबूल मंजूर फरमाए और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, लैलतुल कदर को पाने की तौफीक अता फरमाए और उसमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे, मेरी फैमिली को और आप लोगों की फैमिली को भी इंशाल्लाह। और हमारी इबादत करना लैलतुल कदर पर, हमारी इबादत करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान करें, हम लोगों के मामलात आसान करें। मेरे बहन भाई, भांजी भांजी, मेरा भाई भाभी, भतीजा भतीजी, मेरे, मेरी बीवी, बच्चे, अम्मी, हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे सारे दोस्त अहबाब, तमाम मुसलमान सबके हक में अल्लाह ताला बेहतर करे। आमीन सुम्मा आमीन। सबकी नेक जायज़ तमन्नाएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और बस फिर मिलते हैं आपसे। उस्मान ने काट ली अपने बाल कैंची से। ये क्या किया उस्मान आपने बाल काट के? कितने बुरे लग रहे हो यार आप उस्मान, अल्लाह माफ़ करे। क्या किया ये हरकत, क्या किया ये आपने? किस कैंची से काटे ये बताओ आप मुझे? बाहर रखी हुई थी कैंची, उठा के उससे काटे आपने? बताओ यार, कितने अच्छे बाल कटे हुए थे आपने, क्या हाल किया है सबने बालों का? यार उस्मान मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा था बाल कटवा के, बाल कटवाने से पहले भी प्यारा लग रहा था, मगर बाल कटवा के भी प्यारा लग रहा था। अब ये क्या कर दिया आपने? ईद से पहले गंजा करवाना पड़ेगा अब आपको। करवा दें गंजा या उम्रे पे जाके गंजे हो गए? उम्रे पे जाके गंजे हो गए? उम्रे पे जाके क्या लगा ली? तुम छोटा बच्चा है क्या उस्मान? ये क्या लगा ली? ये तो बच्चे पपीते हैं, चुस्ती ओए ओए, मजा आ रहा उस्मान को, ओए ओए ओए, अच्छी लग रही है मेरे बच्चे को। अबे भाई अल्लाह को मान, बड़े हो गए हो आप। क्या हुआ उस्मान को? उंगली आ गई कहाँ पर? खिड़की में। अल्लाह हुआ क्या है? अम्मी बेहोश हुआ भाई ये तो। उस्मान क्या हुआ? एक्टर हो आप एक नंबर के। हुआ क्या ही है, इतनी जोर से आ गई उंगली, उंगली इतनी जोर से आ गई, बहुत जोर से आई उंगली। अरे लो, अबे क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है कायदे आजम? एक्टिंग तो देखो अम्मी, अभी तक बेहोश हो रहा है आंखें बंद कर करके। अल्लाह अल्लाह, उस्मान क्या हुआ आपको? अल्लाह अल्लाह, एक्टिंग के बादशाह हो आप तो, एक्टिंग के बादशाह हो आप तो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह दही बड़े हो चुके हैं रेडी इफ्तार के लिए, माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं वीडियो में। ये पकौड़े बन रहे हैं फेवरेट मेरे, या बाकी फ्राई हो रहे हैं देख सकते हैं आप लोग। और अफ्तारी के साथ साथ नमल ने केक बनने के लिए रख दिया था, मोल्टन लावा केक, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। अभी बना नहीं है, अभी इसको बनने के लिए रखेंगे। और ये आ गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रूट चाट, ये चने की दाल, ये दही बड़े, ये चाट, ये चटनियाँ, वो खजूर। फटाफट से जो है अफ्तारी करते हैं। ये निकाल लिए मैंने अपने लिए दही बड़े मज़ेदार से, फटाफट से अब अफ्तारी करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। One hour later. देख सकते हैं इसका सेमी फाइनल लुक, अब इसके ऊपर चॉकलेट ऐड करेंगे मेल्ट करके, माशाल्लाह से देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। और ये हमने कटोरी में भी इसको जमाया है, अब इसके ऊपर चॉकलेट ऐड हो रही है, मेल्टेड चॉकलेट, माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग। अब इसको ठंडा करेंगे,
फ्रीज़र में, और ये इसमें भी डल चुकी है अब चॉकलेट अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको भी जो है डीप फ्रीज़र में रख के इसको ठंडा करेंगे, फिर खाते हैं, आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिरयानी बन चुकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये बिरयानी खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोल्टन लावा केक रेडी हो चुका है, देख सकते हैं ये। माशाल्लाह से हम इसको कटोरी में निकाल रहे हैं, माशाल्लाह से मुंह में पानी आ रहा है देखते देखते ही, बहुत ही कोई मज़ेदार बना है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप लोग, ज़बरदस्त यमी माशाल्लाह। अब इसको कटोरी में निकालते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर बाकियों को खाने के लिए देते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही कोई मज़ेदार लग रहा है। अब जो है सब्र नहीं हो रहा, फटाफट से इसको चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं रिव्यू इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ट्राई करते हैं कैसा बनाया। मज़ेदार माशाल्लाह से, आप लोग भी खा के देखें, मज़ा आना है, पैसे वापस। लावा केक, अब इसको ट्राई करते हैं। टक 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 टक, आवाज देख चेक करें आप, कैसी जबरदस्त आ रही है माशाल्लाह। यमी, ओफ क्या जबरदस्त लग रहा है, मुंह में पानी आ गया, खाने वाला हूँ लेकिन फिर भी मुंह में पानी आ गया। चले भाई ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। बहुत यमी है भाई, मज़ा आ गया। अगर रेसिपी चाहिए तो भाई बेगम को कमेंट करके आप बता दीजिएगा वीडियो में, तो आपकी इसकी रेसिपी मिल जाएगी, बहुत मज़ेदार है। एक दफ़ा और ट्राई करता हूँ, आप देख सकते हैं चॉकलेट कैसी लोडेड चॉकलेट है, दिखाओ कैसी लोडेड हो रही है चॉकलेट ये अंदर। अरे बाबा, फुल मज़ेदार, इसमें मुँह में घुल रहा है, मज़ा आ गया। अब आ गई है चिकन टिक्का बिरयानी माशाल्लाह से। अब इसको प्लेट में निकालते हैं और इसको तबीयत से फोड़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सहरी में इंशाल्लाह। ये आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी लस्सी, इसको पीते हैं, मज़े करते हैं, फिर उसके बाद सहरी करते हैं इंशाल्लाह। क्या बोला तूने? अल्हम्दुलिल्लाह सहरी आ चुकी है, हाफ फ्राई अंडा और पराठा और चाय, और फटाफट से सहरी करते हैं, फिर नमाज पढ़ के सोते हैं। पहले 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा था, फिर जो है मोटर में मसला हो गया, तो मोटर का काम करवा रहे हैं। अब दुआ करें मोटर का काम भी हो जाए और पानी भी आ जाए इंशाल्लाह। घर का कुछ सामान लेने के लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया है, अब घर की तरफ वापस जा रहे हैं। अब अब्बू के पास जा रहे हैं कब्रिस्तान, न्याज दिलवाई थी तो थोड़ी सी न्याज भी बांटेंगे कब्रिस्तान में, और जो है फातिहा भी देंगे कब्रिस्तान में जाके। पहुंच चुके हैं हम लोग कब्रिस्तान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलाम वालेना वला इबादुल्लाह सल्लल्लाहु। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें, और तमाम मरहूमीन के लिए मेरे और तमाम मरहूमीन के लिए अपने दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की बख्शो मगफरत फरमाए, जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं आप ही के घर इफ्तार पर, माशाल्लाह से दस्तरखान लग चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब चीज़ें बहुत ही कोई ज़बरदस्त बनी हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके रिस्क में रोज़गार में कारोबार में बरकतें नसीब फरमाए, और तमाम मुसलमानों के रिस्क रोज़गार कारोबार में बरकतें नसीब फरमाए। और जिस तरह आज के दिन इनका दस्तरखान सजाया हुआ था चीज़ों से, या अल्लाह इनका दस्तरखान ता कयामत सजा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत ही कोई मज़ेदार थी,
तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही चखा, मगर जो जो चीज़ें चखी माशाल्लाह तकरीबन सब चीज़ें ही चखी थी, बहुत टाइट थी। इफ्तार करने के बाद ये आ चुकी है खाने की बारी। ये बना हुआ था दम कीमा, बहुत ही कोई मज़ेदार टेस्टी, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब निकल चुके हैं हम घर जाने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। जिस जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। क्या हो गया सही से व्लॉग आज मैं बना नहीं सका, तबीयत ख़राब थी इस वजह से, तो बस थोड़ा थोड़ा ही व्लॉग बनाया है। इस दफ़ा गुजारा कर लिएगा, इंशाल्लाह तबीयत सेट हो जाएगी तो सही से व्लॉग बनाऊंगा। सही है, जनता माफ़ नहीं करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के घर से वापस आ चुके हैं, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इफ्तारी करवाई बाजी ने, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इफ्तारी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खाना भी बनाया था माशाल्लाह, मेरे पसंद का कीमा बनाया था दम वाला कीमा अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत काफ़ी बेहतर भी है, रोक रही थी सहरी के लिए लेकिन हम रुके नहीं सहरी के लिए, बस घर पे आना था क्योंकि तबीयत डाउन है, तो मैंने बोला घर पे आके ज़रा आराम करूँगा। बस इसके साथ ही हम आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिएगा। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाले नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो आप लोगों से कोई भी ब्लॉग मिस नहीं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।